नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास रंगभूमि का पांचवा भाग। उधर मिस्टर जॉन सेवक को कुंवर साहब का पत्र मिला तो जाकर स्त्री से बोले, देखा मैं कहता न था कि सोफी पर कोई संकट आ पड़ा। यह देखो कुंवर भरत सिंह का पत्र है, 3 दिनों से उनके घर पड़ी हुई है। उनके एक झोपड़े में आग लग गई थी, वह भी उसे बुझाने लगी, वही लपट में आ गई। मिसेज सेवक, ये सब बहाने हैं, मुझे उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं रहा। जिसका दिल खुदा से फिर गया उसे झूठ बोलने का क्या डर। यहां से बिगड़ कर गई थी, समझा होगा घर से निकलते ही फूलों की सेज बिछी भी मिलेगी। जब कहीं शरण न मिली तो यह पत्र लिखवा दिया। अब आटे दाल का भाव मालूम होगा। यह भी संभव है खुदा ने उसके अविचार का यह दंड दिया हो। मिस्टर जॉन सेवक, चुप भी रहो, तुम्हारी निर्दयता पर मुझे आश्चर्य होता है, मैंने तुम जैसी कठोर हृदय स्त्री नहीं देखी। मिसेज सेवक, मैं तो नहीं जाती, तुम्हें जाना है तो जाओ। जॉन सेवक, तुम तो देख रही हो मरने की फुर्सत नहीं है, उसी पांडरपुर वाली जमीन के विषय में बातचीत कर रहा हूं, ऐसे मुंजी से पाला पड़ा है कि किसी तरह चंगुल में नहीं आता। देहातियों को जो लोग सरल कहते हैं बड़ी भूल करते हैं, उनसे ज्यादा चालाक आदमी मिलना मुश्किल है। तुम्हें इस वक्त कोई काम नहीं है, मोटर मंगवा देता हूं, शान से चली जाओ और उसे अपने साथ लेती आओ। ईश्वर सेवक वहीं आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए ईश्वर भजन में मग्न थे। जैसे बहरा आदमी मतलब की बात सुनते ही सचेत हो जाता है, मोटर कार का जिक्र सुनते ही ध्यान टूट गया। बोले, मोटर कार की क्या जरूरत है, क्या 10-5 रुपए काट रहे हैं? यो उड़ाने से तो कारों का खजाना भी काफी ना होगा, क्या गाड़ी पर ना जाने से शान में फर्क आ जाएगा? तुम्हारी मोटर देखकर कुंवर साहब रौब में ना आएंगे, उन्हें खुदा ने बहुतेरी मोटरें दी हैं। प्रभु, दास को अपनी शरण में ले लो, अब देर ना करो, मेरी सोफी बेचारी वहां बेगानों में पड़ी है, न जाने इतने दिन किस तरह काटे होंगे, खुदा उससे सच्चा रास्ता दिखाए, मेरी आंखें उसे ढूंढ रही हैं, वहां उस बेचारी का कौन पूछत्तर होगा, अमीरों के घर में गरीबों का कहां गुजर। जॉन सेवक, अच्छा ही हुआ यहां होती तो रोजाना डॉक्टर की फीस ना देनी पड़ती। ईश्वर सेवक, डॉक्टर का क्या काम था, ईश्वर की दया से मैं खुद थोड़ी बहुत डॉक्टरी कर लेता हूं, घर वालों का स्नेह डॉक्टर की दवाओं से कहीं ज्यादा लाभदायक होता है। मैं अपनी बच्ची को गोद में लेकर कलामे पाक सुनाता, उसके लिए खुदा से दुआ मांगता। मिसेज सेवक, तो आप ही चले जाइए। ईश्वर सेवक, सिर और आंखों से मेरा तांगा मंगवा दो, हम सबों को चलना चाहिए, भूले भटके को प्रेम ही सन्मार्ग पर लाता है, मैं भी चलता हूं, अमीरों के सामने दीन बनना पड़ता है, उनसे बराबरी का दावा नहीं किया जाता। जॉन सेवक, मुझे अभी साथ न ले जाइए, मैं किसी दूसरे अवसर पर जाऊंगा, इस वक्त वहां शिष्टाचार के सिवा और कोई काम ना होगा, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, वह मुझे धन्यवाद देंगे, मैं इस परिचय को दैवी प्रेरणा समझता हूं, इत्मीनान से मिलूंगा। कुंवर साहब का शहर में बड़ा दबाव है, म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान उनके दामाद हैं, उनकी सहायता से मुझे पांडरपुर वाली जमीन बड़ी आसानी से मिल जाएगी, संभव है वह कुछ हिस्से भी खरीद ले, मगर आज इन बातों का मौका नहीं है। ईश्वर सेवक, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आती है, जिस आदमी से राह रस्म पैदा करके तुम्हारे इतने काम निकल सकते हैं उससे मिलने में भी तुम्हें इतना संकोच, तुम्हारा समय इतना मूल्यवान है कि आधा घंटे के लिए भी वहां नहीं जा सकते, पहली मुलाकात में सारी बातें तय कर लेना चाहते हो, ऐसा सुनहरा अवसर पाकर भी तुम्हें उसे फायदा उठाना नहीं आता। जॉन सेवक, खैर आपका अनुरोध है तो मैं ही चला जाऊंगा, मैं एक जरूरी काम कर रहा था, फिर कर लूंगा, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं। फिर अपनी बीवी से कहा, तुम तो चल रही हो। मिसेज सेवक, मुझे नाहक ले चलते हो, मगर खैर चलो। भोजन के बाद चलना निश्चित हुआ।
अंग्रेजी प्रथा के अनुसार यहां दिन का भोजन 1 बजे होता था। बीच का समय तैयारियों में कटा। मिसेस सेवक ने अपने आभूषण निकाले, जिनसे वृद्धावस्था में भी उन्हें विरक्ति नहीं मिली थी। अपना अच्छे से अच्छा गाउन और ब्लाउज निकाला, इतना श्रृंगार वह अपनी बरस गांठ के सिवा और किसी अवसर में ना करती थी। उद्देश्य था सोफिया को जलाना, उसे दिखाना कि तेरे आने से मैं रो रो कर मरी नहीं जा रही हूं। कोचवान को गाड़ी धोकर साफ करने का हुक्म दिया गया। प्रभु सेवक को भी साथ ले चलने की राय हुई, लेकिन जॉन सेवक ने जाकर उसके कमरे में देखा तो उसका पता न था। उसकी मेज पर एक दर्शन ग्रंथ खुला हुआ था। मालूम होता था पढ़ते पढ़ते उठकर कहीं चला गया है। वास्तव में यह ग्रंथ 3 दिनों से इसी भांति पड़ा हुआ था। प्रभु सेवक को उसे बंद करके रख देने का अवकाश न था। वह प्रातः काल से 2 घड़ी रात तक शहर का चक्कर लगाया करता था। केवल 2 बार भोजन करने घर आता था। ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहां उसने सोफी को न ढूंढा हो। कोई जान पहचान का आदमी, कोई मित्र ऐसा ना था जिसके घर जाकर उसने तलाशी ना की हो। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को निराश होकर लौट आता और चारपाई पर लेटकर घंटों सोचता और रोता, कहां चली गई। पुलिस के दफ्तर में दिन भर में 10-10 बार जाता और पूछता, कुछ पता चला। समाचार पत्रों में भी सूचना दे रखी थी। वहां भी रोज कई बार जाकर दरिफियात करता। उसे विश्वास होता जाता था कि सोफी हमसे सदा के लिए विदा हो गई। आज भी रोज की भांति 1 बजे थका मांदा, उदास और निराश होकर लौट कर आया तो जॉन सेवक ने शुभ सूचना दी, सोफिया का पता मिल गया। प्रभु सेवक का चेहरा खिल उठा, बोला, सच? कहां? क्या उसका कोई पत्र आया है? जॉन सेवक, कुंवर भरत सिंह के घर पे है, जाओ खाना खा लो, तुम्हें भी वहां चलना है। प्रभु सेवक, मैं तो लौट कर खाना खाऊंगा, भूख गायब हो गई है तो अच्छी तरह। मिसेज सेवक, हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह है, खुदा ने यहां से रूठ कर जाने की सजा दे दी। प्रभु सेवक, मामा खुदा ने आपका दिल न जाने किस पत्थर का बनाया है, क्या घर से आप ही रूठ कर चली गई थी? आप ही ने उसे निकाला था और अब भी आपको उस पर जरा भी दया नहीं आती। मिसेज सेवक, गुमराहों पर दया करना पाप है। प्रभु सेवक, अगर सोफी गुमराह है तो ईसाइयों में 100 में से 99 आदमी गुमराह है। वह धर्म का स्वांग नहीं दिखाना चाहती, यही उसमें दोष है। नहीं तो प्रभु मसीह से जितनी श्रद्धा उसे है उतनी उन्हें भी ना होगी जो ईसा पर जान देते हैं। मिसेज सेवक, खैर मालूम हो गया कि तुम उसकी वकालत खूब कर सकते हो, मुझे इन दलीलों को सुनने की फुर्सत नहीं है। यह कहकर मिसेज सेवक वहां से चली गई। भोजन का समय आया, लोग मेज पर बैठे। प्रभु सेवक आग्रह करने पे भी न गया। तीनों आदमी फिटन पर बैठे तो ईश्वर सेवक ने चलते चलते जॉन सेवक से कहा, सोफी को जरूर साथ लाना और इस अवसर को हाथ से न जाने देना। प्रभु मसीह तुम्हें सद्बुद्धि दे, सफल मनोरथ करें। थोड़ी देर में फिटन कुंवर साहब के मकान पर पहुंच गई। कुंवर साहब ने बड़े तपाक से उनका स्वागत किया। मिसेज सेवक ने मन में सोचा था, मैं सोफिया से एक शब्द भी न बोलूंगी, दूर से खरीद देखती रहूंगी। लेकिन जब सोफिया के कमरे में पहुंची और उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो शोक से कलेजा महसूस उठा। मातृ स्नेह उबल पड़ा, अधीर होकर उससे लिपट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। इस प्रवाह में सोफिया का मनोमालिन्य बह गया। उसने दोनों हाथ माता की गर्दन में डाल दिए और कई मिनट तक दोनों प्रेम का स्वर्गीय आनंद उठाती रही। जॉन सेवक ने सोफिया का माथा चूमा, परंतु प्रभु सेवक आंखों में आंसू भरे उसके सामने खड़ा रहा। आलिंगन करते हुए उसे भय होता था कहीं हृदय फट न जाए। ऐसे अवसरों पर उसके भाव और भाषा दोनों ही शिथिल हो जाते थे। जब जॉन सेवक सोफी को देखकर कुंवर साहब के साथ बाहर चले गए तो मिसेज सेवक बोली, तुझे उस दिन क्या सूझी कि तू यहां चली आई? यहां अजनबियों में पड़े पड़े तेरी तबीयत घबराती रही होगी,
ये लोग अपने धन के घमंड में तेरी बात भी ना पूछते होंगे। सोफिया, नहीं मामा, यह बात नहीं है। घमंड तो यहाँ किसी में छू भी नहीं गया है। सभी सहृदयता और विनय के पुतले हैं। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी इशारों पर काम करते हैं। मुझे आज चौथे दिन होश आया है, पर इन लोगों ने इतने प्रेम से सेवा शुश्रूषा न की होती तो शायद मुझे हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता। मैं अपने घर में भी ज्यादा से ज्यादा इतने ही आराम से रहती। मिसेज सेवक, तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी तो क्या ये लोग इतना भी करने से रहे? सोफिया, नहीं मम्मा, ये लोग अत्यंत सुशील और सज्जन हैं। खुद रानी जी प्रायः मेरे पास बैठी पंखा झलती रहती हैं। कुंवर साहब दिन में कई बार आकर देख जाते हैं और इंदु से मेरा बहनापा सा हो गया है। यही लड़की है जो मेरे साथ नैनीताल में पढ़ा करती थी। मिसेज सेवक ने चिढ़कर कहा, तुझे दूसरों में सब गुण ही गुण नजर आते हैं। अवगुण सब घर वालों के हिस्से में ही पड़े हैं। यहां तक कि दूसरे धर्म भी अपने धर्म से अच्छे हैं। प्रभु सेवक, मामा, आप तो जरा जरा सी बात पर तिनक उठती हैं। अगर कोई अपने साथ अच्छा बर्ताव करे तो क्या उसका एहसान न माना जाए? कृतज्ञता से बुरा कोई दूषण नहीं है। मिसेज सेवक, यह कोई आज नई बात थोड़ी है। घर वालों की निंदा तो इसकी आदत हो गई है। यह मुझे जताना चाहती है कि ये लोग इसके साथ मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। देखूं, यहां से जाती है तो कौन सा तोहफा दे देते हैं। कहां है तेरी रानी साहब? मैं भी उन्हें धन्यवाद दे दूं, उनसे आज्ञा ले लूं और घर चलो। पापा अकेले घबरा रहे होंगे। सोफिया, वह तो तुमसे मिलने को बहुत उत्सुक थी, कब की आ गई होती, पर कदाचित हमारे बीच में बिना बुलाए आना अनुचित समझती होगी। प्रभु सेवक, मामा, अभी सोफी को यहां दो चार दिन और आराम से पड़ी रहने दीजिए। अभी से उठने में कष्ट होगा, देखिए कितनी दुर्बल हो गई है। सोफिया, रानी जी भी यही कहती थी कि अभी मैं तुम्हें जाने ना दूंगी। मिसेज सेवक, यह क्यों नहीं कहती कि तेरा ही जी यहां से जाने को नहीं चाहता? वहां तेरा इतना प्यार कौन करेगा? सोफिया, नहीं मामा, अब आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। मैं अब यहां एक दिन भी नहीं रहना चाहती। इन लोगों को मैं अब और कष्ट नहीं दूंगी, मगर एक बात मुझे मालूम हो जानी चाहिए। मुझ पर फिर तो अत्याचार न किया जाएगा? मेरी धार्मिक स्वतंत्रता में फिर तो कोई बाधा न डाली जाएगी? प्रभु सेवक, सोफी, तुम व्यर्थ इन बातों की क्यों चर्चा करती हो? तुम्हारे साथ कौन सा अत्याचार किया जाता है? जरा सी बात का बतंगर बना देती हो। मिसेज सेवक, नहीं, तूने यह बात पूछ ली, बहुत अच्छा किया। मैं भी मुगालते में नहीं रखना चाहती। मेरे घर में प्रभु मसीह के द्रोहियों के लिए जगह नहीं है। प्रभु सेवक, आप नाहक उससे उलझती हैं, समझ लीजिए कोई पगली बक रही है। मिसेज सेवक, क्या करूं, मैंने तुम्हारी तरह दर्शन नहीं पढ़ा, यथार्थ को स्वप्न नहीं समझ सकती। यह गुण तो तत्व ज्ञानियों में ही हो सकता है। यह मत समझो कि मुझे अपनी संतान से प्रेम नहीं है। खुदा जानता है मैंने तुम्हारी खातिर क्या क्या कष्ट नहीं झेले। उस समय तुम्हारे पापा एक दफ्तर में क्लर्क थे, घर का सारा कामकाज मुझे को करना पड़ता था। बाजार जाती, खाना पकाती, झाड़ू लगाती, तुम दोनों ही बचपन में कमजोर थे, नित्य एक न एक रोग लगा ही रहता था। घर के कामों से जरा फुर्सत मिलती तो डॉक्टर के पास जाती, बहुधा तुम्हें गोद में लिए लिए ही रातें कट जाती थी। इतने आत्मसमर्पण से पाली हुई संतान को जब ईश्वर से विमुख होते देखती हूँ तो मैं दुख और क्रोध से बावली हो जाती हूँ। तुम्हें मैं सच्चा, ईमान का पक्का, मसीह का भक्त बनाना चाहती थी। इसके विरुद्ध जब तुम्हें यीशु से मुंह मोड़ते देखती हूँ, उनके उपदेश, उनके जीवन और उनके अलौकिक कृत्यों पर शंका करते पाती हूँ तो मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यही इच्छा होती है कि इसकी सूरत ना देखूं। मुझे अपना मसीह सारे संसार से, यहां तक कि अपनी जान से भी प्यारा है। सोफिया, आपको यीशु इतना प्यारा है तो मुझे भी अपनी आत्मा, अपना ईमान उससे कम प्यारा नहीं है। मैं उस पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सह सकती। मिसेज सेवक, खुदा तुझे इस अभक्ति की सजा देगा। मेरी उससे यही प्रार्थना है कि वह फिर मुझे तेरी सूरत न दिखाए। यह कहकर मिसेज सेवक कमरे से बाहर निकल आई।
रानी और इंदु उधर से आ रही थी। द्वार पर उनसे भेंट हो गई। रानी मिसेज सेवक के गले लिपट गई और कृतज्ञतापूर्ण शब्दों का दरिया बहा दिया। मिसेज सेवक को इस साधु प्रेम में बनावट की बू आई, लेकिन रानी को मानव चरित्र का ज्ञान न था। इंदु से बोली, देख मिस सोफिया से कह दे अभी जाने की तैयारी ना करें। मिसेज सेवक, आप मेरी खातिर से सोफिया को अभी दो चार दिन यहाँ रहने दें। मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ। अभी मेरा मन उसकी बातों से तृप्त नहीं हुआ है और ना उसकी कुछ सेवा ही कर सकी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं स्वयं ही उसे आपके पास पहुँचा दूंगी। जब तक वह यहाँ रहेगी आपसे दिन में एक बार भेंट तो होती ही रहेगी। धन्य है आप जो ऐसी सुशीला लड़की पाई। दया और विवेक की मूर्ति है, आत्मत्याग तो इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। मिसेज सेवक, मैं इसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर नहीं करती, आप जितने दिन चाहें शौक से रखें। रानी, बस बस मैं इतना ही चाहती थी, आपने मुझे मोल ले लिया, आपसे ऐसी ही आशा भी थी। आप इतनी सुशीला ना होती तो लड़की में ये गुण कहाँ से आते। एक मेरी इंदु है कि बातें करने का भी ढंग नहीं जानती, एक बड़ी रियासत की रानी है पर इतना भी नहीं जानती कि मेरी वार्षिक आय कितनी है। लाखों के गहने संदूक में पड़े हुए हैं, उन्हें छूती तक नहीं। हाँ, सैर करने को कह दीजिए तो दिन भर घुमा करे। क्यों इंदु, झूठ कहती हूँ? इंदु, तो क्या करूँ, मन भर सोना लादे बैठी रहूँ, मुझे तो इस तरह अपनी देह को जकड़ना अच्छा नहीं लगता। रानी, सुनी आपने इसकी बातें, गहनों से इसकी देह जकड़ जाती है। आइए आपको अपने घर की सैर कराऊं। इंदु, चाय बनाने को कह दे। मिसेज सेवक, मिस्टर सेवक बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे, देर होगी। रानी, वाह इतनी जल्दी, कम से कम आज यहाँ भोजन तो कर ही लीजिए। लंच करके हवा खाने चलेंगे, फिर लौट कर कुछ देर गपशप करेंगे, डिनर के बाद मेरी मोटर आपको घर पहुंचा देगी। मिसेज सेवक इनकार न कर सकी। रानी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने राजभवन की सैर कराने लगी। आधा घंटे तक मिसेज सेवक मानो इंद्रलोक की सैर करती रही। भवन क्या था, आमोद विलास रसज्ञता और वैभव का क्रीड़ा स्थल था। संगमरमर के फर्श पर बहुमूल्य कालीन बिछे हुए थे, चलते समय उनमें पैर धस जाते थे। दीवारों पर मनोहर पच्चीकारी, कमरों की दीवारों में बड़े बड़े आदमकद आईने, गुलकारी इतनी सुंदर कि आंखें मुग्ध हो जाए, शीशे की अमूल्य अलभ्य वस्तुएं, प्राचीन चित्रकारों की विभूतियां, चीनी की विलक्षण गुलदान, जापान चीन यूनान और ईरान की कला निपुणता के उत्तम नमूने, सोने के गमले, लखनऊ की बोलती हुई मूर्तियां, इटली के बने हुए हाथी दांत के पलंग, लकड़ी के नफीस ताक, दीवार गिरे किस्तियां, आंखों को लुभाने वाली पिंजरों में चहकती हुई भांति भांति की चिड़ियां, आंगन में संगमरमर का हौज और उसके किनारे संगमरमर की अप्सराएं। मिसेज सेवक ने इन सारी वस्तुओं में से किसी की प्रशंसा नहीं की, कहीं भी विस्मय या आनंद का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उन्हें आनंद के बदले ईर्ष्या हो रही थी, ईर्ष्या में गुण ग्राहकता नहीं होती। वह सोच रही थी, एक यह भाग्यवान है कि ईश्वर ने इन्हें भोग विलास और आमोद प्रमोद की इतनी सामग्रियां प्रदान कर दी हैं, एक अभागिन मैं हूं कि एक झोपड़े में पड़ी हुई दिन काट रही हूं। सजावट और बनावट का जिक्र ही क्या, आवश्यक वस्तुएं भी काफी नहीं। इस तरह तुर्रा यह है कि हम प्रातः से संध्या तक छाती फाड़ कर काम करती हैं, यहां कोई तिनका तक नहीं उठाता। लेकिन इसका क्या शोक, आसमान की बादशाहत में तो अमीरों का हिस्सा नहीं, वह तो हमारी मिरास होगी। अमीर लोग कुत्तों की भांति दुत्कारे जाएंगे, कोई झांकने तक न पाएगा। इस विचार से उन्हें कुछ तसल्ली हुई। ईर्ष्या की व्यापकता ही साम्यवाद की सर्वप्रियता का कारण है। रानी साहब को आश्चर्य हो रहा था कि इन्हें मेरी कोई चीज पसंद न आई, किसी वस्तु का बखान न किया। मैंने एक एक चित्र और एक एक प्याले के लिए हजारों खर्च किए हैं, ऐसी चीजें यहाँ और किसके पास हैं?
अब अलभ्य हैं, लाखों में भी ना मिलेंगी। कुछ नहीं बन रही है, पर इतना गुण ज्ञान ही नहीं कि इसकी कद्र कर सके। इतने पर भी रानी जी को निराशा नहीं हुई। उन्हें अपने बाग दिखाने लगी, भांति भांति के फूल और पौधे दिखाए। माली बड़ा चतुर था, प्रत्येक पौधे का गुण और इतिहास बतलाता जाता था। कहां से आया, कब आया, किस तरह लाया गया, कैसे उसकी रक्षा की जाती है। पर मिसेज सेवा का मुंह अब भी ना खुला। यहां तक कि अंत में उसने एक नन्ही सी जड़ी दिखाई जो यरूशलेम से लाई गई थी। कुंवर साहब उसे स्वयं बड़ी सावधानी से लाए थे और उसमें एक एक पत्ती निकालना उनके लिए एक एक शुभ संवाद से कम न था। मिसेज सेवक ने तुरंत उस गमले को उठा लिया, उसे आंखों से लगाया और पत्तियों को चुमा। बोली, मेरी सौभाग्य है कि इस दुर्लभ वस्तु के दर्शन हुए। रानी ने कहा, कुंवर साहब स्वयं इसका बड़ा आदर करते हैं, अगर यह आज सूख जाए तो 2 दिन तक उन्हें भोजन अच्छा न लगेगा। इतने में चाय तैयार हुई। मिसेज सेवक लंच पर बैठी। रानी जी को चाय से रुचि न थी। विनय और इंदु के बारे में बातें करने लगी, विनय के आचार विचार, सेवा भक्ति और परोपकार प्रेम की सराहना की। यहां तक कि मिसेज सेवक का जी उकता गया। इसके जवाब में वह अपनी संतानों का बखान न कर सकती थी। उधर मिस्टर जॉन सेवक और कुंवर साहब दीवान खाने में बैठे लंच कर रहे थे। चाय और अंडों से कुंवर साहब को रुचि न थी। विनय भी इन दोनों वस्तुओं को त्याज्य समझते थे। जॉन सेवक उन मनुष्यों में थे जिनका व्यक्तित्व शीघ्र ही दूसरों को आकर्षित कर लेता था। उनकी बातें इतनी विचारपूर्ण होती थीं कि दूसरे अपनी बात भूलकर उन्हीं की सुनने लगते थे। और यह बात न थी कि उनका भाषण शब्दाडंबर मात्र होता था। अनुभवशील और मानव चरित्र के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। ईश्वर दत्त प्रतिभा थी जिसके बिना किसी सभा में सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता। इस समय वह भारत की औद्योगिक और व्यावसायिक दुर्बलता पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। अवसर पाकर उन साधनों का भी उल्लेख करते जाते थे जो इस कुदशा निवारण के लिए उन्होंने सोच रखे थे। अंत में बोले, हमारी जाति का उद्धार कला कौशल और उद्योग की उन्नति में है। इस सिगरेट के कारखाने से कम 1,000 आदमियों के जीवन की समस्या हल हो जाएगी और खेती के सिर से उनका बोझ टल जाएगा। जितनी जमीन एक आदमी अच्छी तरह जोत बो सकता है, उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाना ऐसे बेगारों को अपनी रोटी कमाने का अवसर देगा। कुंवर साहब, लेकिन जिन खेतों में इस वक्त नाज बोया जाता है, उन्हीं खेतों में तंबाकू बोए जाने लगेगी। फल यह होगा कि नाज और महंगा हो जाएगा। जॉन सेवक, मेरी समझ में तंबाकू की खेती का असर जूट, सन, तेलहन और अफीम पर पड़ेगा। निर्यात जिससे कुछ कम हो जाएगी, गल्ले पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। फिर हम उस जमीन को भी जोत में लाने का प्रयास करेंगे जो अभी तक परती पड़ी हुई है। कुंवर साहब, लेकिन तंबाकू कोई अच्छी चीज तो नहीं? इसकी गणना मादक वस्तुओं में है और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। जॉन सेवक ने हंसकर कहा, ये सब डॉक्टरों की कोरी कल्पनाएं हैं जिन पर गंभीर विचार करना हास्यास्पद है। डॉक्टरों के आदेशानुसार हम जीवन व्यतीत करना चाहें तो जीवन का अंत ही हो जाए। दूध में सिल के कीड़े रहते हैं, घी में चर्बी की मात्रा अधिक है, चाय और कहवा उत्तेजक है, यहाँ तक कि सांस लेने से भी कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उनके सिद्धांतों के अनुसार समस्त संसार कीटों से भरा हुआ है जो हमारे प्राण लेने पर तुले हुए हैं। व्यवसायी लोग इन गोरख धंधों में नहीं पड़ते, उनका लक्ष्य केवल वर्तमान परिस्थितियों पर रहता है। हम देखे हैं कि इस देश में विदेश से करोड़ों रुपए के सिगरेट और सिगार आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जाने से रोकें। इसके बगैर हमारा आर्थिक जीवन कभी पनप नहीं सकता। यह कहकर उन्होंने कुंवर साहब को गर्वपूर्ण नेत्रों से देखा। कुंवर साहब की शंकाएं बहुत कुछ निवृत्त हो चुकी थी। प्रायः वादी को निरुत्तर होते देखकर हम दिलेर हो जाते हैं। बच्चा भी भागते हुए कुत्ते पर निर्भय होकर पत्थर फेंकता है।
जॉन सेवक निशंक होकर बोले, मैंने इन सब पहलुओं पर विचार करके ही यह मत स्थिर किया और आपके इस दास को, प्रभु सेवक की ओर इशारा करके कहा, इस व्यवसाय का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा। मेरी कंपनी के अधिकांश हिस्से बिक चुके हैं पर अभी रुपए नहीं वसूल हुए। इस प्रांत में अभी सम्मिलित व्यवसाय करने का दस्तूर नहीं, लोगों में विश्वास नहीं, इसीलिए मैंने 10% वसूल करके काम शुरू करने का निश्चय किया है। साल दो साल में जब आशातीत सफलता होगी और वार्षिक लाभ होने लगेगा तो पूंजी आप ही आप दौड़ी आएगी। छत पर बैठा हुआ कबूतर आ आ की आवाज सुनकर सशंक हो जाता है और जमीन पर नहीं उतरता, पर थोड़ा सा दाना बिखेर दीजिए तो तुरंत उदार हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले ही साल हमें 25% का लाभ होगा। यह प्रॉस्पेक्टस है, इसे गौर से देखिए। मैंने लाभ का अनुमान करने में बड़ी सावधानी से काम लिया है। बर्ड भले ही जाए, कम नहीं हो सकता। कुंवर साहब, पहले ही साल 25%? जॉन सेवक, जी हाँ, बड़ी आसानी से। आपसे मैं हिस्से लेने के लिए विनय करता पर जब तक 1 साल का लाभ दिखा न दूं आग्रह नहीं कर सकता। हाँ, इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि उस दशा में संभव है हिस्से बराबर पर ना मिल सके। 100 रुपए के हिस्से शायद 200 रुपए पर मिले। कुंवर साहब, मुझे अब एक ही शंका और है। यदि इस व्यवसाय में इतना लाभ हो सकता है तो अब तक ऐसी और कंपनियां क्यों ना खुली? जॉन सेवक ने हंसकर कहा, इसीलिए कि अभी तक शिक्षित समाज में व्यवसाय बुद्धि पैदा नहीं हुई। लोगों की नस नस में गुलामी समाई हुई है। कानून और सरकारी नौकर के सिवा और किसी और निगाह जाती ही नहीं। 2-4 कंपनियां खुली भी किंतु उन्हें विशेषज्ञों के परामर्श और अनुभव से लाभ उठाने का अवसर न मिला। अगर मिला भी तो बड़ा महंगा पड़ा। मशीनरी मंगाने में 1 के 2 देने पड़े। प्रबंध अच्छा न हो सका। विवश होकर कंपनियों को कारोबार बंद करना पड़ा। यहां प्रायः सभी कंपनियों का यही हाल है। डायरेक्टरों की थैली भरी जाती है, हिस्से बेचने और विज्ञापन देने में लाखों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। बड़ी उदारता से दलालों का आदर सत्कार किया जाता है। इमारतों में पूंजी का बड़ा भाग खर्च कर दिया जाता है। मैनेजर भी बहुवेतन भोगी रखा जाता है। परिणाम क्या होता है? डायरेक्टर अपनी जेब भरते हैं, मैनेजर अपना पुरस्कार भोगता है, दलाल अपनी दलाली लेता है। मतलब यह कि सारी पूंजी ऊपर ही ऊपर उड़ जाती है। मेरा सिद्धांत यह है कि कम से कम खर्च और ज्यादा से ज्यादा नफा। मैंने 1 कौड़ी दलाली नहीं दी, विज्ञापनों की मद उड़ा दी। यहां तक कि मैनेजर के लिए केवल 500 रुपए ही वेतन देना निश्चित किया है। हालांकि किसी दूसरे कारखाने में 1000 सहज ही मिल जाते, उस पर घर का आदमी। डायरेक्टर के बारे में भी मेरा यही निश्चय है कि सफर खर्च के सिवा और कुछ न दिया जाए। कुंवर साहब सांसारिक पुरुष न थे, उनका अधिकांश समय धर्म ग्रंथों के पढ़ने में लगता था। वह किसी ऐसे काम में शरीक न होना चाहते थे जो उनकी धार्मिक एकाग्रता में बाधक हो। धूर्तों ने उन्हें मानव चरित्र का छिद्रान्वेषी बना दिया था। उन्हें किसी पर विश्वास न होता था। पाठशालाओं और अनाथालयों को चंदा देते हुए वह बहुत डरते रहते थे और बहुधा इस विषय में औचित्य की सीमा से बाहर निकल जाते थे। सुपात्रों को भी उनसे निराश होना पड़ता था। पर संयमशीलता जहां इतनी शशंक रहती है वहां लाभ का विश्वास होने पर उचित से अधिक निशंक भी हो जाती है। मिस्टर जॉन सेवक का भाषण व्यावसायिक ज्ञान से परिपूर्ण था पर कुंवर साहब पर इससे ज्यादा प्रभाव उनके व्यक्तित्व का पड़ा। उनकी दृष्टि में जॉन सेवक अब केवल धन के उपासक न थे वरन हितैषी मित्र भी थे। ऐसा आदमी उन्हें मुगालता न दे सकता था। बोले, जब आप इतनी किफायत से काम करेंगे तो आपका उद्योग अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको शायद अभी मालूम ना हो, मैंने यहाँ एक सेवा समिति खोल रखी है। कुछ दिनों में यही खप्त सवार है। उसमें एक समय लगभग 100 स्वयंसेवक हैं। मेले ठेले में जनता की रक्षा और सेवा करना उनका काम है। मैं चाहता हूं कि उसे आर्थिक कठिनाइयों से सदा के लिए मुक्त कर दूं।
हमारे देश की संस्थाएं बहुत धनाभाव के कारण अल्पायु होती हैं। मैं इस संस्था को सुदृढ़ बनाना चाहता हूं और मेरी यही हार्दिक अभिलाषा है कि इससे देश का कल्याण हो। मैं किसी से इस काम में सहायता नहीं लेना चाहता, उसके निर्विघ्न संचालन के लिए एक स्थायी कोष की व्यवस्था कर देना चाहता हूं। मैं आपको अपना मित्र और हित चिंतक समझकर पूछता हूं कि आपके कारखाने में हिस्से ले लेने से मेरा उद्देश्य पूरा हो सकता है? आपके अनुमान से कितने रुपए लगाने से 1000 की मासिक आमदनी हो सकती है? जॉन सेवक की व्यावसायिक लोलुपता ने अभी उनकी सद्भावनाओं को शिथिल नहीं किया था। कुंवर साहब ने उनकी राय पर फैसला छोड़कर उन्हें दुविधा में डाल दिया। अगर उन्हें पहले से मालूम होता कि यह समस्या सामने आएगी तो नफा का तखमीना बताने में ज्यादा सावधान हो जाते। गैरों से चाले चलना शम्य समझा जाता है, लेकिन ऐसे स्वार्थ के भक्त कम मिलेंगे जो मित्रों से दगा करे। सरल प्राणियों के सामने कपट भी लज्जित हो जाता है। जॉन सेवक ऐसा उत्तर देना चाहते थे जो स्वार्थ और आत्मा दोनों ही को स्वीकार हो। बोले, कंपनी को जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने खोल कर रख दी है। संचालन विधि भी आपको बतला चुका हूं। मैंने सफलता के सभी साधनों पर निगाह रखी है। इस पर भी संभव है मुझसे भूल हो गई हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य विधाता के हाथों का खिलौना मात्र है। उसके सारे अनुमान, सारी बुद्धिमता, सारी सुख चिंताएं नैसर्गिक शक्तियों के अधीन है। तंबाकू की उपज बढ़ाने के लिए किसानों को पेशगी रुपए देने ही पड़ेंगे। एक रात का पाला कंपनी के लिए घातक हो सकता है। जले हुए सिगरेट का एक टुकड़ा कारखाने को खाक में मिला सकता है। हाँ, मेरी परिमित बुद्धि की दौर जहां तक है, मैंने कोई बात बढ़ाकर नहीं कही है। आकस्मिक बाधाओं को देखते हुए आप लाभ के अनुमान में कुछ और कमी कर सकते हैं। कुंवर साहब, आखिर कहां तक? जॉन सेवक, 20 रुपए सैकड़े समझिए। कुंवर साहब, और पहले वर्ष? जॉन सेवक, कम से कम 15 रुपए प्रति सैकड़े। कुंवर साहब, मैं पहले वर्ष 10 रुपए और उसके बाद 15 रुपए प्रति सैकड़े पर संतुष्ट हो जाऊंगा। जॉन सेवक, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि हिस्से लेने में विलंब ना करें। खुदा ने चाहा तो आपको कभी निराशा ना होगी। 100-100 रुपए के हिस्से थे। कुंवर साहब ने 500 हिस्से लेने का वादा किया और बोले, कल पहली किस्त के 10,000 रुपए बैंक द्वारा आपके पास पहुंचा दूंगा। धन्यवाद।